हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आप सब स्वस्थ हो, आप सब स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। आप सबकी इच्छा पूर्ण हो और वो हर इच्छा पूर्ण होती जाए, ये मेरे दिल से दुआ है, मेरे ईश्वर से दुआ है। आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए और बढ़ता ही जाए। आप सबकी रीयूनियन हो, ये मेरे दिल से दुआ है, मेरे ईश्वर से दुआ है। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सबकी इच्छा पूर्ण होगी और हर इच्छा वो पूर्ण होती जाएगी। सो डियर, आपके ये पार्टनर की करेंट एनर्जी है। डियर सोलमेट कनेक्शन में हो आप या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप दोनों इस जर्नी में हो तो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर की अभी फीलिंग्स क्या है। तो देखिए डियर, अभी वो स्टक तो है डियर, बहुत ही परेशान, बहुत ही स्टक, बहुत ही अकेलापन, वो बहुत आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन इस जर्नी में देखिए, आपके पार्टनर, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप दोनों मिले हो और बहुत ही आप दोनों में प्यार हुआ है, बहुत ही आप लोग पास में आए हो और आप अचानक से अलग हो गए हो, आपके बीच दूरियां आई, सेपरेशन आया, आप लोग के इस जर्नी में पेन आया और दुख आया और आप लोग एक ही हो, ये आपको मानना पड़ेगा कि आप लोग कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन में हो, आप लोग काउंटर पार्ट हो, ठीक है। इस जर्नी का ये प्रोसेस है, इस जर्नी से, इस पेन, दुख, सेपरेशन से गुजरना। और आप चाहते हो दोनों हमेशा एक होना, आप एक दूसरे के दिल दिमाग में रहते हो। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो और हमेशा दिल दिमाग में रहते हो और सोचे जाते हो, आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो, तो ये सोल जर्नी है, सोलमेट जर्नी है डियर। तो आपको इस जर्नी में जो प्रोसेस है, इस जर्नी में पेन, दुख, सेपरेशन, जुदाई, ये सब जो है ना, इस जर्नी में आता है। तो समझ जाना आप लोग कंफर्म हो कि हम सोलमेट जर्नी में हैं, ठीक है। आपका काउंटर पार्ट आपसे दूर हो गया है, आपको खुद को हील करना है, खुद को समझना है, सेल्फ लव करना है, इसलिए आपको सेपरेशन मिलता है डियर, ठीक है। और आप लोग एक दूसरे में अनकंडीशनल लव है और आपके साथ यूनिवर्स हैं, गॉड हैं, एंजल्स हैं, आप दोनों के बीच, आप दोनों को मिलाने वाला और सेपरेशन में लाने वाला यूनिवर्स हैं, एंजल्स हैं, आपके गॉड हैं, ताकि एक दूसरे को समझो, खुद पर फोकस करो, सेल्फ लव करो और समाज के लिए कुछ करो। और ये जो जर्नी होता है वो स्पिरिचुअल जर्नी है डियर, और आप लोग को इस जर्नी में आगे बढ़ना है, इस प्रोसेस को आगे प्रोसेस से गुजरना है। तो आप समझ रहे हैं, दुख, दर्द, पेन, जुदाई इसलिए आया है कि आप खुद को समझो और खुद को हील करो। और इस जर्नी में आप कैसे आए हो, आपको दर्द पेन क्यों मिला, तो आप बाद में या दूसरों को भी आप अपना दर्द पेन और इस जर्नी के बारे में आप दूसरों को भी बता सकते हो, ये जर्नी का मतलब समझा सकते हो। आपका सोल पर्पस होता है तो सोल पर्पस आपको ढूंढना है और आप आगे बढ़ते हो डियर, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर जहां भी हैं डियर, कहीं ना कहीं आज बहुत स्टक हैं, बहुत अकेलापन फील हो रहा है और दूर से आपको आवाज दे रहे हैं, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा, मैं तो मिटा हूं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी डियर बहुत ही स्टक, बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान, बस आपका इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह आपसे बात हो जाए, मुलाकात हो जाए। देखिए, आपके पार्टनर जहाँ भी हैं, जिस सिचुएशन में हैं, वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन आपके साथ अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, लेकिन कोई है जो नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर और आप एक हों। आपके लाइफ में बहुत लॉस हुआ है और डियर, आप, मैं व्यूवर्स को मैं बोल रही हूँ, आपके पार्टनर के जाने के बाद आपके लाइफ में बहुत ही लॉस हुआ है, बहुत ही आपके लाइफ में परेशानियाँ आई हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से आपको
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया है और आप कहीं ना कहीं हेल्थ इशू से भी गुजरे हो, किसी को हेल्थ इशू हो भी सकता है ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप, मैं देख रही हूँ कि दोनों की एनर्जी एक जैसी दिख रही है और आपसे कई गुना ज़्यादा आपसे पार्टनर की एनर्जी जो है बहुत ही हैवी है, बहुत पेन, बहुत दर्द, बहुत अकेलापन। वो अभी इस वक्त बस उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके पास आ जाओ किसी तरह से, जैसे वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि कहीं दूर से तुम मेरे पास चले आओ, ऐसा आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी है। बस तुझको पुकारे मेरा प्यार, ऐसे करके वो बहुत तन्हा, बहुत अकेला रह रहा है, जहाँ है वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है, ना काम में दिल लग रहा है, बस लग रहा कि आपके साथ पूरी जिंदगी वो जी ले। बहुत तन्हा, बहुत अकेला, बहुत ही स्टक ऐसा फील कर रहे हैं कि अब लग रहा है उन आपके सिवा दुनिया में उनका कोई नहीं है, आपको याद करे जा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, रो पड़ रहे हैं, कभी कभी पुराने बातों को याद करके बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, रो भी रहे हैं। मुझे आप दोनों की एनर्जी ऐसी दिख रही है, आपके और आपके पार्टनर की भी एनर्जी ऐसी दिख रही है, ऐसा उन्हें लग रहा है कि आप अब कहीं से भी उनको आवाज़ दे दो, आप उनके पास चले आओ। बेचैनी बहुत है, आपको देखने की तमन्ना है उन्हें, आपके प्यार की जरूरत है, आपको बिल्कुल दिल से याद कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह आपको वो पा लें, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि आप एक बार आवाज़ दे दो, वो चाहते हैं पहल आप करो। मतलब रो रहे हैं, बहुत अकेलापन है, इतना अकेलापन है कि वो किसी के साथ रहना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, जहाँ हैं जिसके साथ हैं वो उनके साथ बिल्कुल खुश नहीं है, और उन्हें लगता है मैं कैसे कब यहाँ से मैं निकलूँ। लेकिन आप दोनों के बीच में कोई है जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं बाबू, यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड आपके साथ है, आप अपना सोल पर्पस की ओर बढ़िए, कंटिन्यू इनर वर्क कीजिए, अपने चक्रा सीलिंग कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, और जब रात होती है, रात में किसी समय भी आप कम से कम अपने पार्टनर के लिए हीलिंग सेंड कर सकती हैं, अकेले बैठ जाइए और फोकस अपने पार्टनर पर कीजिए, उनको आपकी अच्छी एनर्जी की जरूरत है डियर, आप स्टक ना हो, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी आती जाती एक जैसी होती है, इसलिए आप स्टक मत होइए, हैवी एनर्जी उनको भी महसूस हो रही है, इसलिए आप टेलीपैथी से आप उनको अच्छी सी फीलिंग सेंड कीजिए, और बाबू कितना भी हो जाए अपने तरफ से, अपनी तरफ से कॉल मैसेज ना करें, वो बहुत स्टक है, बस अपनी फीलिंग्स अपने दिल से उनके पास भेजें, इसलिए कि वो आपके काउंटर पार्ट है, तो आप जैसी एनर्जी आपकी होगी आपके पार्टनर की एनर्जी वैसी होगी, इसलिए डियर आप कॉल मैसेज ना करें, बस दिल से दुआ दें और फीलिंग सेंड करें, अच्छी सी फीलिंग सेंड करें, ठीक है, क्योंकि अभी उनको आपकी जरूरत है। कॉल मैसेज ना करें, अगर वो बात करते हैं, कॉल मैसेज करते हैं, आपकी रीयूनियन होती है तो आप बात करें, लेकिन कोई ऐसी बात को ना कुर दें कि आपके फिर दुनिया आ जाए, सेपरेशन आ जाए, क्योंकि अभी बहुत स्टक हैं, और ये आपकी जो हाई वाइब्रेशन है, जो आप ऊपर और उठते जा रहे हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, एंजल से कनेक्ट हो रहे हो, तो ये हाई वाइब्रेशन है। बहुत लोग की रीयूनियन हुई है, बहुत लोग की होने वाली है, घबराइए नहीं, लेकिन ये आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है डियर, आपका इनर वर्क पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को हील कर रहे हो, कितना विश्वास कर रहे हो, कितना स्टक हो, इसलिए आप खुद को आपकी रीयूनियन कराती है, आपका इनर वर्क कराता है, आपका विश्वास कराता है, आपका जो सोल पर्पस है, आप सोल पर्पस में भी आगे आगे ध्यान दे रहे हो, बढ़ रहे हो, उससे भी आप सफलता का सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो आपकी रीयूनियन तय है डियर, क्योंकि आपका विश्वास ही सफलता का कारण बनता है, इसलिए आपके पार्टनर की आपकी जो एनर्जी है वो सेंट हो रही है, बट आप लोग स्टक ना हो, खुद पर फोकस करें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते जाएं और अपने पार्टनर के लिए अच्छी फीलिंग सेंड करें। अगर कॉल मैसेज करते हैं तो अच्छे से बात कीजिए, और आप कम से कम ना दुख रहिए, दुखी में रहिए कि मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हारे वगैरह, ये कभी मत करना बाबू, क्योंकि आप जितना फिर दुखी होंगे, रोएंगे, फिर ही आपसे भागेंगे। आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, हैप्पी एनर्जी, हाई वाइब्रेशन की एनर्जी होनी चाहिए, इसलिए खुद पर फोकस, अपने चक्रा सीलिंग कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, ये और क्या करना है आपको, हाँ, पानी चार्ज करके पीजिए, और अपने ऑरा को लॉक जरूर कीजिए डियर, ठीक है,
ऑरा लॉक करना बहुत ही मस्ट है, वो जरूर कीजिए। जब भी होता है प्रोटेक्शन के लिए आर्कएंजल माइकल को बुलाइए। आपको मैंने आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन नंबर दिया था 613613, वो अपने हाथ में जरूर लिखिए, राइट हैंड में, राइट नहीं लेफ्ट में आप लिख सकते हो, और लेफ्ट में ही लिखना ठीक है, और बाजू के ऊपर लिखना, हाथ में हथेली में मत लिखना, अपने बाजू पर लिख सकते हो 613, वो आर्कएंजल माइकल का नंबर है प्रोटेक्शन का, तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे वो। हमेशा हाथ में लिखा करो डियर, और खुद पर फोकस करो। अभी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर पास जा रही है, दोनों की एनर्जी ऐसी ही फील हो रही है, लेकिन आपसे कई गुना बढ़कर आपके पार्टनर की एनर्जी जो है बहुत ही लो है, बहुत ही टेंशन में है, डिप्रेशन में है, स्टक है, अकेलापन फील हो रहा, और आपको बहुत पाना चाह रहे हैं, आपके साथ लाइफ बिताना चाह रहे हैं, बस आप और आप चाहिए। वो जहां है जैसे है, बिल्कुल खुश नहीं है डियर। आप लोग सोल कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर काउंटर पार्ट है, आप लोग डिवाइनली गाइडेड हो, तो डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, बस आपको खुद पर विश्वास और सफलता आपके पास। सो डियर, मैं देख रही हूँ दिल से वो काफी रो रहे हैं, दूर से आपको आवाज दे रहे हैं, मतलब बहुत 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 गहरा फीलिंग है। अब लग रहा है कि आप लोग की जैसी रीयूनियन होने वाली है, लेकिन बाबू ये एनर्जी आपके पार्टनर की जो है, डीएम की जो होती है, हमेशा ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये हाई वाइब्रेशन आपके वजह से भी हो रही है। कुछ लोग की रीयूनियन हुई है, आप लोग अच्छे से इनर वर्क कीजिए डियर, क्योंकि बहुत लोग की रीयूनियन हुई है और कुछ लोग की होने वाली है, कुछ बहुत बड़ा कुछ अच्छा होने वाला है आने वाले समय में, इसलिए खुद पर फोकस, खुद पर ध्यान, यूनिवर्स से कनेक्ट, और एंजल से हमेशा बात कीजिए, अपने स्पिरिट गाइड से मदद लीजिए, और अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाते जाइए, ठीक है। आपको सफलता जरूर मिलेगी, मुझे ऐसा आपके पार्टनर बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मेरे लिए अब नहीं है, ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम सब कुछ भुलाकर मेरे पास चली आओ। देखिए डियर, ये पार्टनर आपकी एनर्जी सेंड कर रहे हैं कि तुम जहां भी जैसे मेरे पास चली आओ, ये चाहते हैं कि आप पहल करें, लेकिन डियर मैं बोलूंगी आप ये गलती मत करना, ये बात कुछ और हो जाएगी। वो कॉल मैसेज करते हैं, आपकी ओर आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, आप उन्हें अच्छी फीलिंग सेंड करो, दुआ करो, अच्छी सी उनके लिए दुआ करो कि वो जहाँ है जैसे खुश रहे, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी हो। मैं प्यार भेज रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स भेज रही हूँ, मैं अपना प्यार भेज रही हूँ। आपसे कॉल मैसेज करते हैं तो ही बात कीजिए डियर, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही अकेला हूँ, सारी दुनिया मुझे भूल गई है, एक तुम ही हो जो मुझे याद करती हो, मुझे प्यार करती हो, आज तुम्हारे बगैर मैं बहुत अकेला हूँ, तुम्हारे बगैर कितना तड़प रहा हूँ तुम्हें नहीं पता, मुझे तुम तरपा रही हो, मुझे कसम है कि उस खुदा का, मुझे कसम है उस खुदा का, मैं अब जी नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्यों तुम मुझसे दूर चली गई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे गिल्ट फील हो रहा है, मैं रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, बस तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, पता नहीं दुनिया क्यों हम दोनों को मिलने देना नहीं चाहती है, मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आकर अपना जो सुकून मिलता है, जो मुझे खुशी मिलती है, वो कहीं नहीं मिलता है, क्या तुम मुझे एक बार आवाज नहीं दे सकती है? चाहो चारों तरफ मेरे लिए अभी अंधेरा है, चारों तरफ मेरे लिए अंधेरा है, मुझे एक तुम ही एक रोशनी की किरण दिखाई देती हो, किसी को अपना दर्द बता नहीं पा रहा हूँ, अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरी रहना, सिर्फ तुम मेरी रहना, सिर्फ मेरी, हर वक्त तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ, बहुत बहुत दर्द झेल रहा हूँ, मुझे कोई नहीं समझ पा रहा है, मैं उलझन में फंसा हुआ हूँ, तुम मुझे दर्द से बाहर निकाल सकती हो, तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हारे साथ दुनिया बसाना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, तुम्हें देखने को बहुत जी चाह रहा है, इन आंखों को सुकून चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, और मुझे चैन चाहिए, तुम्हारे बगैर कुछ भी संभव नहीं है, मुझे बहुत ही अकेला फील हो रहा है डियर। आपके पार्टनर जैसे तड़प रहे हैं, सच बात है, वो जहां है बहुत ऐसी फीलिंग है कि अब उन्हें लग रहा है चारों तरफ उनके लिए अंधेरा है डियर, लेकिन मैं बोल दूं जब तक कॉल मैसेज ना आए, जब तक आप कॉल मैसेज नहीं कीजिए, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कहीं से आपका किसी तरह से आपका कोई भी मैसेज आ जाए,
आप पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कहे ना बाबू आप इमोशनल हो और आपके पार्टनर इगोइस्टिक है, तो ये चीज को ईगो इमोशनल आपको बैलेंस करना है। शिव शक्ति जिसे कहते हैं उसको दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है। तो प्लीज आप साधना कीजिए, तपस्या कीजिए, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उन्हें हीलिंग सेंड कीजिए, क्योंकि आपको अब उन्हें पता चल रहा है आपकी कीमत। तो डियर ये डिवाइन का खेल है, ये यूनिवर्स सब कुछ करवा रहे हैं, बस आपको खुद पर विश्वास करना है, इनर वर्क करना है, अपने सोल पर्पस को भी ढूंढना है। दुनिया में आए हो तो समाज के लिए आपको कुछ करना है, क्या करना है अपने अंदर आत्मा से पूछिए, आपके अंदर कौन सी ऐसी प्रतिभा है उसके ऊपर फोकस कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं डियर। सो डियर आपको फोकस अपने ऊपर अभी करना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपको स्टक नहीं होना है। आप तो बैलेंस कर लेते हो लेकिन आपके पार्टनर अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो बैलेंस आपको अपने पार्टनर को करना है। आप मेडिटेशन कीजिए और अच्छे से योगा एक्सरसाइज कीजिए, नहीं होता है डांस कीजिए, ताकि आपकी हाई वाइब्रेशन आपके पार्टनर की ओर जाए, ठीक है डियर। ये थी आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा डियर, ऐसे ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपके पार्टनर की। सो आप लोग हाई वाइब्रेशन में रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और ये देखिए मेरा काउंटर पार्ट मुझे याद करा है, मैं भी प्यार करी, आपको प्यार सेंड करना है डियर। सो माय डियर सोल फैमिली, बस अपना इनर वर्क करते रहिए, यूनिवर्स को आपने सरेंडर किया है, थैंक यू सो मच, और ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने यूनिवर्स को, एंसेस्टर को, स्पिरिट गाइड को, ऑल आर्कएंजल्स को, ठीक है डियर। सो गॉड ब्लेस यू, और अपना इनर वर्क करते रहिए। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है डियर तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद डियर, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरी वीडियो पॉजिटिव होकर सुनिएगा, ठीक है डियर। तो गॉड ब्लेस यू।